ये यहाँ से लेफ्ट साइड में आप हनुमानगढ़ी जा सकते हैं, आगे है मंदिर, रोक लीजिए। और ये है सरयू, माँ सरयू राम की पैड़ी, और ये जो है सरयू घाट है जा। और यहाँ से फैजाबाद 9 किलोमीटर, रुदौली 50 किलोमीटर, बाराबंकी। मैं अभी जा रहा हूँ श्री राम जन्मभूमि न्यास। तो फ्रेंड्स ये है अयोध्या जंक्शन यानी रेलवे स्टेशन, जहाँ आप लगभग भारत के सभी बड़े जगहों से आप आ सकते हैं। और यहाँ आने के बाद आपको टेम्पू वगैरह ऑटो वगैरह मिल जाएगी घूमने के लिए। तो चलिए अब मैं लेके आपको चलता हूँ। और यहाँ भी एक खूबसूरत सा गेट बनाया गया है। तो फ्रेंड्स मैं स्टेशन से निकल गया हूँ और मैं अब आपको चौक रोड लेके जा रहा हूँ। अयोध्या का सबसे जो मेन रोड है वो है चौक रोड, क्योंकि चौक रोड पे ही जितने भी राम जन्मभूमि है और हनुमानगढ़ी है, जितने भी मेन मंदिर हैं वो चौक रोड में ही है। और वो सीधा आपको राम की पैड़ी तक लेके चला जाता है और सरयू नदी के तट तक जाता है। तो इंजॉय करिए इस खूबसूरत धर्म की नगरी अयोध्या को। सुबह सुबह अगर आपको अयोध्या का दर्शन हो जाए तो समझिए कि सारे पाप यूं ही कट गए। और छोटे छोटे होटल आपको इस रोड में मिल जाएंगे जगह जगह, क्योंकि ये बहुत बड़ा शहर तो है नहीं, तो यहाँ पे आपको बहुत बड़े होटल नहीं मिलेंगे। और राजकीय श्री राम चिकित्सालय अयोध्या मेरे सामने है, तो हमें यहाँ से राइट लेना है और यहाँ के अक्सर जो ज़्यादातर दुकानें हैं वो पीले रंग की सजी हुई हैं, तो काफ़ी आनंद आता है देखकर। पीले पीले दुकानें आपको सामने दिख रहा होगा। अभी तो सुबह है, सुबह के 7:30 लगभग बज रहे हैं, तो इतनी ट्रैफिक वगैरह नहीं है, दुकानें अभी नहीं खुली है, लेकिन दोनों तरफ आपको झालर दिख रहे होंगे क्योंकि दीपोत्सव का महोत्सव है और रात में मैं उसमें शामिल होने की कोशिश करूंगा और आपको भी दिखाऊंगा। काफ़ी खूबसूरत दीपोत्सव, गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में रिकॉर्ड होने वाला 5 लाख दीयों का दीपोत्सव होने वाला है। तब तक आप अयोध्या की नगरी का नज़ारे लीजिए। और ये यहाँ से लेफ्ट साइड में आप हनुमानगढ़ी जा सकते हैं, आगे है मंदिर, रोक लीजिए। और हनुमानगढ़ी जो है और उसी के आसपास जितने भी राम जन्मभूमि है, जानकी कनक पैलेस है, कनक महल है, तो जितने भी हैं सब हैं। और जय बजरंग बली, जय श्री राम के झंडे आप जगह जगह दिखाई देंगे। और यहाँ से भी आप जा सकते हैं हनुमानगढ़ी कनक भवन। तो मैं तो सुबह सुबह आपको सीधा सरयू के तट पे लेके चलूँगा, पूरा ही अयोध्या शहर। और इस साइड काफ़ी खूबसूरत गेट बना हुआ है। सुबह सुबह देखा जाएगा क्या तैयारियां हो रखी हैं और कुछ नाश्ता वगैरह भी किया जाएगा, क्योंकि 8 बजने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आप एंजॉय कर रहे होंगे। और इस साइड दुकाने पे आपको भगवा झंडा दिखाई दे रहा होगा। और ये जो रोड है वो चौक रोड है,
बाकी नया घाट रोड है उस पास उस साइड में। और हम लोग काली मंदिर आ गए, इस साइड काली मंदिर। खूबसूरत खूबसूरत। और इस साइड मंदिर। तो आपको यहाँ पे और फ्रेंड्स ये है राजकीय तुलसी उद्यान अयोध्या। अयोध्या का जो तुलसी उद्यान है वो यहाँ पे है, मैं आपको बाद में आके दिखाऊंगा क्या है ये। और एक पार्क है यहाँ का, काफ़ी फेमस पार्क है। मैं आपको उधर से आऊँगा तो फिर यहाँ पर आऊँगा तो सबसे पहले चलना है हम लोगों को सरयू तट। तो हम आ चुके हैं राम की पैड़ी और सरयू तट। तो फ्रेंड्स इस साइड आप मेरे लेफ्ट साइड में जो पूरा है वो राम की पैड़ी है। और अभी मैं जा रहा हूँ सरयू नदी पर और दीवारों को रंग दिया गया है पेंट वगैरह करके अच्छे से, ड्राइंग वगैरह काफ़ी खूबसूरत। दिव्य दीपोत्सव अयोध्या 12 से 14 नवंबर को होने वाला है, तो उसकी सारी तैयारियाँ एकदम पूरी जोर शोर से मुझे तो दिखाई दे रही हैं। और ये पूरा राम की पैड़ी इधर गाड़ी वगैरह पार्क करने के लिए इस साइड, आई थिंक अगर आप फोर व्हीलर से आते हैं तो इस साइड पार्क कर सकते हैं। और ये गेट बनाया गया है और यहाँ पे लिखा गया है राम की पैड़ी प्रवेश। और ये है सरयू, माँ सरयू। वाओ, खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत, आनंदित आनंदित। यहां से मैं आपको खूबसूरत नजारे दिखाता हूँ। हाँ, तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा अयोध्या, राम की पैड़ी। और ये जो है सरयू घाट है जहाँ पे आरती मैं आपको दिखाया था, यहाँ पे आरती होती है और उसके बाद जो है राम की पैड़ी और काफ़ी खूबसूरत। और ये पूरा सरयू का बैंक देखिए कितना चौड़ा है। और ये सरयू नदी पे बना हुआ पुल काफ़ी खूबसूरत है और उसके उस पार उस साइड भी पुल है।
तो अप्रॉक्स मुझे तो जहाँ तक लगता है कि यहाँ पे अयोध्या खत्म ही हो जाता है, क्योंकि सरयू पार आप फिर दूसरे जगह या फिर मतलब अयोध्या में ही हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेन जो अयोध्या शहर है वो मैं आपको यहाँ तक घुमा दिया, फिर मैं वापस अब जाऊँगा। तो फ्रेंड्स मैं वापस यू टर्न मार के फिर से अयोध्या सिटी में जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो बाहर तो जाना नहीं है, मुझे दीपोत्सव देखना है और आपको भी दिखाना है, इसलिए मैं सरयू घाट से और ब्रिज से वापस आ गया। तो मैं तो इधर आपको बताया था कि इधर ही राम की पैड़ी है और मैं जिधर से आया मैं वापस उधर ही जाऊंगा। और ये अभी एक नया गेट बन रहा है और यहाँ से मेरे राइट साइड में यही है, इधर राम की पौड़ी और इधर 551,000 से अधिक दीपों से जगमग होगी रामनगरी अयोध्या। और यहाँ से फैजाबाद 9 किलोमीटर, रुदौली 50 किलोमीटर, बाराबंकी 109 किलोमीटर, लखनऊ 136 किलोमीटर। तो अब तो मुझे कुछ है खाने की ज़रूरत है। पराठा अच्छा किया मैं एक ही मंगाया, क्योंकि मुझे लगता है आलू पराठा मैक्सिमम जब बड़ा बड़ा ही मिलता है एक से ही काम चल जाता है, और घर का तो खैर बात ही नहीं है, अपन को आप 8-10 दवाई देते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं मेन रोड छोड़कर अयोध्या की गलियों में घूम गया हूँ, और क्योंकि आपको अयोध्या की गलियां भी दिखाना है कि गलियां कैसी हैं, मेन रोड आप छोड़ते हैं तो यहां की जो गलियां हैं, क्योंकि इन्हीं गलियों से होते हुए आप जो है जहां पे राम मंदिर में निर्माण होने वाले पत्थर है उसको बनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं आगे। श्री दिगंबर जैन मंदिर बड़ी मूर्ति रायंगंज अयोध्या। तो फ्रेंड्स ये है अयोध्या जो अंदर से कुछ ऐसा है, यानी कि रोड पे तो आप देख ही लिए, तो अंदर आप गलियों में घूमिएगा तो कुछ ऐसा नज़ारा आपको मिलेगा। छोटे छोटे गलियां हैं, रोड हैं, और हर जगह आपको बजरंगबली दिखाई देंगे। और मैं अभी जा रहा हूँ श्री राम जन्मभूमि न्यास, जहाँ पे मंदिर निर्माण में जो पत्थर लगाए जाएंगे, जो शिला लगाए जाएंगे, जो वहाँ पे कुछ लगाए जाएंगे वो वहाँ पे तैयार हो रहा है। तो थोड़ा सा देख लिया जाए, दर्शन कर लिया जाए कि आखिर कैसा है वो शिला, मिला जुला। तो फ्रेंड्स कुछ ऐसा है अयोध्या नगरी, भगवान श्री राम की जन्मस्थली, भगवान श्री राम का गांव। और सुबह से घूमते घूमते हमें 2-3 घंटे हो ही गए, और अब मैं जा रहा हूँ अपने रूम पे। और हर जगह काफी प्राचीन प्राचीन मंदिर और है,
पसी जी की छावनी।